हेलो दोस्तों, निफ्टी में जो आज क्लोजिंग हुआ है, जो कि मैंने कल के वीडियो में बोला था, सुबह भी बोला था कि 15,100 पे रेजिस्टेंस है, 14,900 पे सपोर्ट है, तो नीचे 900 के आसपास का बॉटम बना करके रिवर्सल जो दिया है, इंट्राडे में आज के ट्रेडिंग सेशन में ही कंफर्म हो गया था कि ट्रेंड अपसाइड में है। नीचे का जो भी काम करना था आज करना था, इसको नीचे का बॉटम बनाना था। आपने देखा भी बहुत सारे स्टॉकों में डाउनसाइड मूव देखा गया, लेकिन निचले लेवल से बहुत सारे स्टॉकों में बाउंस भी देखा गया और ब्रेकआउट का सिग्नल दिखा, और निफ्टी में भी ब्रेकआउट का सिग्नल दिखा। अब क्या हो सकता है कल के बाजार के लिए? जो 15,160 का जो ब्रेकआउट लेवल था वो कल टूट जाना चाहिए, पहला सिग्नल ये हो जाएगा। और ऊपर अगर जाता है फिर से नीचे आए तो 15,125 के आसपास, 15,130 के आसपास अगर मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। क्या टारगेट के लिए? टारगेट जो होगा 15,222, 15,190 एक मेजर रेजिस्टेंस होगा। महाशिवरात्रि की छुट्टी है 10 मार्च को, और कल है लास्ट ट्रेडिंग सेशन और वीकली एक्सपायरी है, तो फिर क्या हो सकता है निफ्टी में? 15,222 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करेगा, 15,222 नहीं जाना चाहिए, 15,160 और 15,190 से लेकर के 15,100 के बीच में ही कंसोलिडेट होना चाहिए। अगर किसी कारणवश गैप अप खुल जाता है, 15,190 को पार कर जाता है, तो इस मूव का जो टारगेट होगा 15,280 के आसपास मेजर रेजिस्टेंस होगा। उस मूव के लिए आप देख सकते हैं इंट्राडे में करना क्या चाहिए। 15,060 का स्टॉप लॉस लगा करके 15,120 के जोन में आता है, या 100 के जोन में आता है, या 120 के आसपास आ करके रिवर्स करता है ऊपर, 140 के ऊपर चलता है, तो 140 के ऊपर बाइंग करेंगे विद टारगेट ऑफ 15,190 और 15,220 के टारगेट के लिए कॉल ऑप्शन के साथ भी 200 के कॉल ऑप्शन में काम किया जा सकता है, अगर इस तरीके का मोमेंट होता है। वरना लगातार फॉल करता है, ब्रेकआउट नहीं आता है, 15,060 भी कट जाता है तो फिर रिवर्स हो जाएगा। चांसेस क्या है? तेजी के चांसेस है ऐसा मुझे लगता है। और बैंक निफ्टी में आज जो बोला था सेम वही देखा गया। बैंक निफ्टी में मैंने बोला था कि निफ्टी को आप चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो, 50-60 पॉइंट के लिए भी शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन निफ्टी को, बैंक निफ्टी को बाइंग करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा जो तेजी एक्सपेक्टेड था, बिल्कुल सही एक्सपेक्टेड लाइन पे तेजी हुई है, और 35,600 के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी था, और कल 35,700 के ऊपर और भी स्ट्रेंथ अप हो जाएगा, जिसका टारगेट 36,200 और 36,400 का निकल के आता है। नीचे जो सपोर्ट है 35,500 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और आज का लो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो ये एनालिसिस है। दूसरा चीज़, मैं अगर स्टॉक की बात करूं तो आज मैं विप्रो की बात करूंगा। विप्रो में निचले लेवल से एक अच्छा खासा बाउंस देखा गया, और मेजर रेजिस्टेंस जो है विप्रो का 426 पे है, 426। तो क्या करना चाहिए? 415-418 के बीच में आता है तो 412 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, या 422 के ऊपर चलता है तो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं पार्शियली। टारगेट होगा 426 और 440 का शॉर्ट टर्म, और इंट्राडे 426 का, ऐसा मुझे लगता है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो के बाद।